नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आर जानी मेहसाणा से आपका स्वागत करता हूं। मैं सांपों का रेस्क्यू करता हूं, मुझे सांप को पकड़ने का तरीका सांपों की पहचान है, इसलिए मैं यह काम कर सकता हूं मित्रों, और यह काम मैं हमेशा करता रहूँ, ऐसी आप लोगों की दुआएँ मेरे साथ रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। आज का किस्सा मेहसाणा के हरदेसणा गाँव का है। यह जगह मेरे स्थान से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है, इसलिए पहुंचने में तो समय लगा, लेकिन अब आप ये देखिए इस जगह की मज़ा। ये गांव भी है, आपने देखा हरियाली है, खेत जैसा है, और मकान भी पक्के हैं, इसलिए गांव की और शहर की दोनों की मिक्स सुविधा यहाँ पे दिखाई पड़ती है, और बहुत बड़े एरिया में इन्होंने अपना भैंसों का तबेला भी बनाया हुआ है। तो खाने को फ्रेश माल, पीने को अच्छा दूध, तो फिर तबीयत तो सबकी बनी ही रहेगी ना मित्रों, इसीलिए यहाँ पे सबकी सेहत अच्छी होती है। चलिए अपने किस्से पे वापस आते हैं। सांप की जगह आप देख ही चुके हैं कहाँ पे है, एक साइड में छोटी सी जगह है, उसमें गलियारे में सांप एक छोटे से डिब्बे के अंदर था, मुझे बताया गया। जैसे ही डिब्बे में थोड़ा टक टक किया, सांप हमारे कब्जे में आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं पड़ी उसको पकड़ने में, और उसको लेके मैं थोड़ा दूर हटना ज़रूरी था उस जगह से, इसलिए वहाँ से हट के खुले में आ गया, और उन लोगों को बोला कि एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें चॉकलेट टॉफी वगैरह रखी जाती है, ऐसा कोई डिब्बा हो तो आप मुझे दीजिए, मैं उसमें उसको ले जाऊँगा। और आज तो किस्मत से डिब्बा भी बहुत जल्दी मिल गया है, इसलिए अब मेरा काम और आसान होने वाला है सांप को पकड़ के। ये तो जगह ही गांव है, इसलिए रास्ते में कई ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ से मैं इसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ सकूं। तो मित्रों, आज का रेस्क्यू ऑलमोस्ट पूरा होने को है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़े, लोगों को सांप के बारे में भी धीरे धीरे जानकारी मिले, और उसको बचाना भी ज़रूरी है, ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है मित्रों। और इस वीडियो को कृपया पूरा देखें, ताकि इससे अगर मुझे कुछ इनकम मिलती है तो ये मेरे ट्रस्ट को होगी, और जिससे मैं और सेवा का काम अविरत करता रहूँगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप लोगों।